हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश पत्रा सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 41 के बारे में जिसकी हेडिंग है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट सो so, इस सेक्शन के बिगनिंग से हमारा चैप्टर फाइव यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सनस के बारे में बात करता है चैप्टर फाइव में सेक्शन फोर्टी से लेकर सेक्शन सिक्सटी तक हमारे कवर होते हैं आज हम सेक्शन फोर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है पी प्री एंड मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं सेक्शन 41 पर तो डायरेक्टली बेरेक्ट लैंग्वेज पे ना जाते हुए जो थोड़ी सी जनरल थिंग्स हैं इस सेक्शन से पहले डिस्कस करनी ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं सो सेक्शन फोर्टी की हेडिंग है वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट तो सबसे पहले ये जो वर्ड है अरेस्ट इसको हम समझते हैं इसका क्या मतलब है एन अरेस्ट इज़ एन एक्ट ऑफ टेकिंग ए पर्सन इन टू कस्टडी किसी पर्सन को कस्टडी में लेना इट इज दिहेंशन ऑफ ए पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी रिजल्ट ऑफ हिज लाइबर्टी क्या बोल रही है डेफिनेशन? मतलब कि किसी को कैच करना किसी को पकड़ना कोई लीगल अथॉरिटी किसी पर्सन को कैच कर रही है, हैड कर रही है रिजल्टिंग इन डेप्रीवेशन ऑफ हिज लिबर्टी जिससे उसकी लाइबर्टी का डेपरीवेशन हो रहा है जिससे उस पर्सन की फ्रीडम उस पर्सन की स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अरेस्ट लीगल अथॉरिटी किसी पर्सन को अप्रेंड कर रही है जिससे डेप्रीवेशन हो रहा है उसकी लिबर्टी का इस प्रोसेस को अरेस्ट बोलते हैं ठीक है मतलब ये जरूरी नहीं है कि चार दीवारी के अंदर रखना उसको जेल में रखा रखना किसी पर्सन को वही अरेस्ट बोला जाएगा ये जो ये बताया गया इस डेफिनेशन में ये भी अगर पूरा उसकी लिबर्टी छीन रही है लीगल अथॉरिटी उसका अरेस्ट ही कहा जाएगा सो so, इस कोड में दो तरीके के अरेस्ट बताए गए हैं पहला है अरेस्ट मेड इन परसन ऑफ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट मतलब फर्स्ट टाइप है कि मजिस्ट्रेट uh, ने कोई वारंट इशू किया है एंड उसी के पर्सनस में उसी के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू करा है उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अरेस्ट करना एक तो ये अरेस्ट हो गया जिसके प्रोविजन सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 वन ऑफ सी में दिए गए हैं एक और बात जो है वारंट है या फिर समन है इससे रिलेटेड जो बेसिक प्रोविजन है मैंने इससे पिछले ही वीडियो में बताए हैं उस वीडियो में बात की गई है हाउ टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज एट ए ट्रायल के बारे में तो वो वीडियो आप जरूर देखिए बेसिक्स अगर आपको समझने हैं सामान या फिर वारंट से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो उस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे तो फर्स्ट वे तो है कि मजिस्ट्रेट इशू करेगा वारंट एंड उसी के पर्सनस में अरेस्ट दूसरा है अरेस्ट मेड विदाउट सच वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट दूसरा अरेस्ट करना पर बिना वारंट के अरेस्ट करना जिसके प्रोविजन सेक्शन फोर्टी से लेकर फोर्टी ऑफ सी में बताए गए हैं एंड आज हम सेक्शन फोर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेडिंग है वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है इसकी डेरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है सबसेक्शन वन एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को क्लॉज ए हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट किया है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ठीक है पुलिस ऑफिसर कहीं पे प्रेजेंट है एंड पुलिस ऑफिसर के सामने ही किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया तो उस पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है सेक्शन टू क्लॉज सी में डिफाइंड है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जहां पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर आपको जानना है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब आपने सी आर पी सी के बेरकट के पीछे फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है उसमें सभी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड वहाँ जाके आप जब देखेंगे आपको ये दिखेगा कि नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वही होते हैं जो सीरियस ऑफेंस होते हैं जैसे कि मर्डर चोरी रेप रॉबरी डेकोइटी, ये सब जो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोई भी पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है क्लॉज ए यहाँ पर देखा हमने आगे क्लॉज बी अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर्सन को भी बिना वॉरेंट के अरेस्ट कर सकता है कोई पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट हुम में रीजनेबल कंप्लेंट हैज मेड जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है तो यहाँ पर ये जो रीजनेबल वर्ड है या फिर जो क्रेडिबल वर्ड है इसका क्या मतलब है देखिए रीजनेबल का मतलब विच इज बेस्ड ऑन गुड जजमेंट विच सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट इन दैट सर्कमस्टांस मतलब जब वो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को देख रहा है अपनी जजमेंट लगा रहा है अपना माइंड लगा रहा है तो उसको वो जो कंप्लेंट है वो अप्रोप्रेट लग रही है वो सही लग रही है एंड उस कंप्लेंट को देखने के बाद अपना माइंड लगाने के बाद उसको ये लग रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो वो रीजनेबल होगा क्रेडिबल क्या होगा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है ये जो रीजनेबल है या फिर जो क्रेडिबल है ये केस टू केस वेरी करता है कि क्या चीज़ रीजनेबल कंप्लेंट थी क्या चीज़ रीजनेबल इन्फॉर्मेशन थी क्या चीज़ रीजनेबल सस्पिशन था ये केस टू केस वेरी करेगा तो कंप्लेंट आई है इन्फॉर्मेशन आई है या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट होता है कि, कि किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट सात साल से कम की है या फिर सात साल तक एक्सटेंड हो सकती है मतलब कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट सात साल तक एक्सटेंड हो सकती है एंड पनिशमेंट में फ़ाइन भी हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता आगे है कि इफ़ दी फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो कंप्लेंट इंफॉर्मेशन uh, या फिर सस्पीशियन एग्जिस्ट होने के बाद कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है ये आगे जो दो सर्कमस्टांसिस बताए हैं ना ये दो कंडीशंस बताई गई हैं ये कंप्लीट होनी ज़रूरी है यहाँ पर फर्स्ट है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको उस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन या फिर सस्पिशन के ऊपर लग रहा है हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सैड ऑफेंस कि उस पर्सन ने वो जो ऑफेंस बताया हुआ है उस पर्सन ने वो जो ऑफेंस है वो कमिट किया है ठीक है पहली ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए दूसरा क्या है दी पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है आगे पाँच पॉइंट बता रखे हैं इन पाँचों में से एक भी अगर पॉइंट प्रेजेंट है तो ये जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी तो किस लिए वो जो अरेस्ट है नेसेसरी है टू प्रीवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमेटिंग एनी फर्दर ऑफेंस उस पर्सन को रोकने के लिए कि वो आगे वो जो पर्सन है वो कोई और ऑफेंस ना करे बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके उस ऑफेंस का किस ऑफेंस का जो भी वहाँ कंप्लेट में इंफॉर्मेशन में या फिर सस्पिशन में लग रहा है कि इसने ऐसा करा है इस पर्सन ने आगे सी पॉइंट टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग दी एविडेंस ऑफ देंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर कि वो जो एविडेंस है उसको मिटा ना दे डिसर ना कर दे और टैंपरिंग विद सच एविडेंस या फिर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर दे मतलब मान लीजिए कहीं पर फुट प्रिंट्स हैं कहीं पर फिंगर प्रिंट्स हैं कोई फाइल है उस ऑफेंस से रिलेटेड जो कि एविडेंस की तरह वहाँ पर यूज हो सकती है उसके अगेंस्ट उस पर्सन के अगेंस्ट हेड पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर लग रहा है कि अगर अरेस्ट ना किया गया तो वो उसके साथ उन फाइल्स के साथ उन फिंगरप्रिंट्स के साथ वह जो भी उस केस में एविडेंसेस हैं उनके साथ उनको मिटा देगा या फिर उनके साथ छेड़छाड़ करेगा तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या फिर आगे डी पॉइंट टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एकवेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस वो अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है कि उस पर्सन को रोका जा सके कि वो कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस करे ऐसे पर्सन को जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है इंड्यूसमेंट मतलब कि कुछ ना कुछ ऑफर करना थ्रेट मतलब कि धमकी देना या फिर प्रॉमिस तो वो जो पर्सन है आगे उस पर्सन को इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस करेगा जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है सो एज टू डिस हिम फ्रॉम डिसक्लोजिंग सच फैक्ट टू दी कोर्ट और टू दी पुलिस ऑफिसर ताकि वो पर्सन जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है वो डिसुएड हो जाए मतलब कि पर्सुएड से उल्टा कि वो फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ ना करे कोर्ट के सामने भी या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने भी तो इस केस में भी वो जो पुलिस ऑफिसर है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है या फिर ई पॉइंट एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट मैनवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी अनश्योर्ड उसका अरेस्ट होना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर उसको अरेस्ट ना किया गया तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में जब भी चाहिए होगा वो कोर्ट में तो वो नहीं आएगा हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी एनश्योर्ड वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती उसकी प्रेजेंस कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा ठीक है कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन या फिर सस्पिशियन आता है कि, कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट सात साल तक एक्सटेंड हो सकती है तो उसके बाद ये दो कंडीशन फुलफिल हैं कि एक तो पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि उस पर्सन ने ऑफेंस करा है एंड सेकंड उसकी अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है जो ये पांच पॉइंट बताए गए हैं इनमें से कोई भी एक यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए तो उस पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है बिना वॉरट के यहाँ पर अरेस्ट कर सकता है आगे यहाँ पर लिख रखा है कि एंड द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा वो लिखेगा रीजन कि क्यों मैं इस पर्सन को अरेस्ट कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर वहां पर लिखेगा कि मेरे को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो पर्सन है इसने थेफ्ट कमिट किया है इसने चोरी की है एंड मेरे पास रीजन टू तो बिलीव था कि इस पर्सन ने ऐसा करा है एंड दूसरा इसकी अरेस्ट इसलिए नेसेसरी थी ताकि इस ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती जी तो ये सब जो है वो राइटिंग में लिखेगा वो पुलिस ऑफिसर जो है आगे प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केस वेर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर डी प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट ठीक है अरेस्ट जब कर लिया तब तो रीजन लिखेगा ही लिखेगा पुलिस ऑफिसर कि क्यों अरेस्ट कर रहा है उसको उस पर्सन को जब अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर तब भी वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रीजन लिखेगा कि मैंने क्यों नहीं अरेस्ट करा उस पर्सन को ठीक है ना ये क्लॉज बी हुआ हमारा अब आगे है क्लॉज बी ए बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बिन रिसिव्ड कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है कि एक पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जो कि पनिशेबल है सात साल या फिर उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से and the police officer has reason to believe on the basis of such information that such person has committed the said offence and police officer को वहाँ पर उस information से ये लग रहा है उस police officer के पास reason to believe है उस information के basis पर कि उस person ने वो जो offence है वो commit करा है ठीक है ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जिसकी जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रेजनमेंट विच इज़ मोर देन सेवन ईयर या फिर डेथ सेंटेंस है वो पनिशेबल है तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लगना चाहिए कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट करा है उस पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट करा है यही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए तो क्लॉज बी ए हुआ आगे क्लॉज सी है तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है हु हैज़ बिन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया या फिर इस कोर्ट में किसी कोर्ट ने किया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब किसी पर्सन को डिक्लेयर करती है कोर्ट जनरली ये तब होता है जब कोई पर्सन छुप रहा हो अरेस्ट वारंट उसके अगेंस्ट इशू हुआ हुआ है एंड वो जान मूझ के छुप रहा है एब्स कौन कर रहा है हाइड कर रहा है ख़ुद को सेक्शन 82 टू सेक्शन फोर जब आप देखेंगे उसमें प्रोनाउंस किया जाता है किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है आगे है क्लॉज डी इन होज पोजिशन उसको भी बिना वॉरेंट के अरेस्ट किया जा सकता है जिसके पोजिशन में कुछ मिलता है जो कि सस्पेक्ट किया जा रहा है जो कि रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो जो उसकी पोजेशन में जो चीज़ मिली है वो स्टॉलन प्रॉपर्टी है वो चोरी की गई प्रॉपर्टी है एंड हु may रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग या तो उस पर्सन के पोजिशन में मिली है स्टॉलन प्रॉपर्टी या फिर ये रीजनेबली सस्पेक्टेड है वहाँ पर ये शक पैदा हो रहा है कि उस पर्सन ने उसी थिंग से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफेंस करा है उस स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने कोई ना कोई ऑफेंस करा है ये वहाँ पर शक पैदा हो रहा है सस्पेक्ट किया जा रहा है रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है रीजनेबल मतलब वही कि जो उस सर्कमस्टांस में अप्रोप्रिएट लग रहा है विट इज सीम्स टू बी जस्ट एन अप्रोप्रेट इन दैट सर्कमस्टांस ये लग रहा है कि उस पर्सन ने उस स्टॉलन uh, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफेंस करा है ऐसे पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है आगे ई क्लॉज हु ए पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी और हु हैड एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी हु हुट ए पुलिस ऑफिसर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में दखल अंदाजी देता है मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई इंक्वायरी कर रहा है कोई अक्यूज को पकड़ रहा है कोई पर्सन आकर वहां पर उस पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है पुलिस ऑफिसर कोई दूसरा पर्सन आके उस पुलिस ऑफिसर के काम में दखल अंदाजी देता है तो उस पर्सन को बिना वारंट के वो जो पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट कर सकता है और हुज़ अस्केप अटेम्प टू स्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी और कोई पर्सन अगर लॉफुल कस्टडी में से भागता है भाग जाता है या फिर अटेम्प्ट करता है लॉफुल कस्टडी में से एस्केप करने की उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है आगे एफ क्लॉज हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बींग ए डिजर्टर कोई पर्सन है ऐसा जिसको रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये डिजर्टर है भगोड़ा है भागा हुआ है किसी आर्म्ड फोर्सेस से मतलब कि आर्मी नेवी या फिर एयर फोर्स से डिजर्ट किया हुआ उस पर्सन ने इस चीज़ को रीजनेबल सस्पेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर तो उस पर्सन को भी जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है आगे जी क्लॉज हु कंसर्नड इन कंसर्नड इन मतलब कि जो कि इन्वॉल्व है या फिर जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट आई है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है ऑफ इज़ हैविंग कंसर्नड इन कि वो इन्वॉल्व है ऐसे एक्ट में जो कि इंडिया से बाहर कमिट होगा एंड अगर वो इंडिया में कमिट होता इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस तो वो ऑफेंस होता एंड वो पनिशेबल होता मतलब यहाँ पर ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है कोई ना कोई जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है कोई ना कोई साजिश कर रहा है इंडिया से बाहर कोई ऐसा एक्ट करने की जो कि अगर इंडिया में होता तो वो ऑफेंस माना जाता मतलब कोई ये पर्सन है वो इंडिया में रहकर यूएसए में मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है वो पर्सन इन्वॉल्व है या फिर रीजनेबल कंप्लेंट आई है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई या फिर रीजनेबल सस्पिशन शक पैदा हो रहा है कि वो इन्वॉल्व है ऐसे एक्ट में तो एक्स्ट्राडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग वो लाइबल होगा एंड उसको इंडिया में जो कस्टडी है उसमें डिटेन कर लिया जाएगा देखिए एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड ट्रीटी साइन होती हैं डिफरेंट नेशनस के साथ हमारी ट्रीटीज़ हैं एंड एक्स्ट्राडिशन होता है सेंडिंग बैक ऑफ ए पर्सन टू इज होम नेशन मतलब कि इंडिया से बाहर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसको वापस इंडिया में भेज दिया जाएगा वो जाएगाडिशन के रूल्स अप्लाई करके एंड उसका जो ट्रायल है वो इंडिया में चलेगा फिर वही एक लॉ जी कह रहा है कि वो पर्सन कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर कुछ ऐसा कमिट करने के लिए प्लान कर रहा था जो कि अगर वो इंडिया में करता तो वो ऑफेंस होता उसको एक्स्ट्राडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में ही डिटेन कर लिया जाएगा इंडिया में जो कस्टडी है उसी में डिटेन कर लिया जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर एच क्लॉज है हु ए रिलीज कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन थ्री फिफ्टी सिक्स उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है जो कि रिलीज कन्विक्ट एंड उसने कोई ना कोई रूल को तोड़ा है ब्रीच किया है जो कि सेक्शन थ्री फिफ्टी सिक्स सी आर बी सी में दिया गया वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज आई फॉर होम अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटर्न और ओरल हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर मतलब कि किसी पर्सन की अरेस्ट के लिए कोई रिक्वेजिशन कोई ना कोई ऑर्डर आया है वो ऑर्डर रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है कहाँ से वो ऑर्डर आया है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से मतलब कि को, कोई और पुलिस स्टेशन का कोई पुलिस ऑफिसर है वहाँ से ऑर्डर आया है राइटिंग में या फिर औरल में राइटिंग में आ जाए फ़ोन आ जाए कि एक पर्सन को एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है प्रोवाइडेड दैट रिक्वेजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड उस रिक्वेजिशन में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी जरूरी हैं पर्सन जिसको अरेस्ट करना है एंड दी ऑफेंस ऑफेंस जो उसने करा है और अदर कोज कोई और रीजन कोई और कोज जिसकी वजह से उसको अरेस्ट करना जरूरी है एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम दैट दी पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट बाय दी ऑफिसर हु इशूड द दी ठीक है वो रिक्वजिशन आ गया रिटर्न में आ गया फिर ओरल में आ गया उस पर्सन का नाम बता दिया गया ये बता दिया गया कि उसने ऑफेंस क्या करा है उसके बाद जिसके पास वो रिक्विजिशन आया है ना उस पर्सन को ये लग रहा है आ, कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए बिना वारंट के उस ऑफिसर के द्वारा जिसने वो रिक्वेजिशन इशू करा है ठीक है ना जो रिक्वेजिशन सेंड कर रहा है उसके पास यहाँ पर पावर होनी चाहिए उस पर्सन को अरेस्ट करने की जिसके अगेंस्ट वो रिक्वेजिशन भेज रहा है तो जिसके पास वो रिक्वेजेशन आया है ना जिस ऑफिसर के पास जिस पुलिस ऑफिसर के पास वो बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा सो so ये सेक्शन वन हुआ हमारा सेक्शन 41 का आगे सेक्शन टू है जो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, सेक्शन 42 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसने करा है या फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है इन्फॉर्मेशन आई है या फिर शक पैदा और सस्पिशन एग्जिस्ट होता है कि किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा नो पर्सन शेल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट कब उसको अरेस्ट किया जा सकता है अंडर ए वॉरेंट वारंट जब उसके खिलाफ इशू हो या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया हो कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लो ठीक है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी ने किसी पर्सन ने करा है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या जब तक तो उसके खिलाफ वारंट नहीं आता या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता एंड साथ के साथ जो पहली लाइन कह रही थी सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 सेक्शन 42 में जो प्रोविजन बता रखे हैं उसको ध्यान में यहाँ पर रखकर सेक्शन फोटी में भी ऐसा सर्कमसेंसेज बता रखा है जब कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है एंड उसको बिना वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट किया जा सकता है ठीक है ना जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दे उससे नाम पूछा जाए उससे एड्रेस पूछा जाए वो मना कर दे वो पुलिस ऑफिसर को अपना नाम ना बताए एड्रेस ना बताए तब उस केस में अगर उस पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा हुआ है तो इस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है एंड वैसे जनरली कोई पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता उस पर्सन को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सो so, ये हमारा सेक्शन 41 वन यहाँ पर कम्प्लीट हुआ होप सो so, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश वंशपत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं पर सी की प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं एविडेंस उनकी जो वीडियोज़ हैं आप जाके मेरे प्ले में चेक कर सकते हैं कोई डाउट रहता है वीडियो से रिलेटेड आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं सो so यही था आज के लिए दैट